सो चलन, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अभी तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ही नहीं की। वी यूज टू टॉक अबाउट, नहीं भाई, हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रेडिशनल व्यू लिया था, उसके पहले हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये सबको क्लियर हो गया? व्हेन फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, फैक्टर्स लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैक्टर्स लाइक एजुकेशनल लेवल एंड मेनी मोर चिल्ड्रन हैपन टू बिकम बेटर, वी कॉल इट एज इकोनॉमिक ग्रोथ। एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि लोग अपने सेंसेस में है कि नहीं। इसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। खोपड़े में बात गई। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई पॉवर्टी कम करनी है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, लोगों को बढ़िया न्यूट्रिशन मिले, सर्विसेज कंट्री में अच्छी से अच्छी हो, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, तो इट इज ऑल व्हाट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज, वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन, सर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां तक किसी को कोई डाउट चिल्ड्रन? चलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रहता है। सब कुछ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो व्यूज हैं चिल्ड्रन, वन इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल व्यू एंड अदर इज कॉल्ड एज मॉडर्न व्यू। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, बी सुपर अटेंटिव टू दिस, सुपर अटेंटिव टू दिस। इफ आई से कि आपकी पर्टिकुलर इनकम, मान लेते हैं इन द ईयर 2010 वॉज रुपीज 1 लाख पर एनम, समझ आ गया, और 2023 में इट इज रुपी 4 लाख पर एनम। यहां पे आपके खर्चे एक्स थे और यहां पे आपके खर्चे 4x हो गए, 4 गुना आप ज्यादा खर्च करने लग गए। सो चिल्ड्रन, जितना पैसा पहले कमा रहे थे अब उससे 4 गुना कमा रहे हैं। कितना? 4 गुना। और जितने खर्चे हो रहे थे खर्चे भी 4 गुना हो रहे हैं। क्या आपने अपनी इनकम कुछ ज्यादा अर्न की? नो। तो कैन वी कॉल इट एज इकोनॉमिक ग्रोथ? बिल्कुल भी नहीं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है। सर, देन व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? आपका जो खर्चा है एक्स था, यहां पे हो गया 3x। हाउ मच? 3x। तो आपकी इनकम तो 4 टाइम्स बढ़ गई बट आपके खर्चे 4 टाइम्स नहीं बढ़े। तो आपकी इनकम खर्चे के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ी है। आई रिपीट चिल्ड्रन, 1 लाख रुपीज कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे? 4 लाख। कितने टाइम्स इनकम बढ़ गई आपकी? 4 गुना आपकी इनकम बढ़ गई। खर्चा एक्स था, अब कितना हो गया? 3x। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? कुछ इकोनॉमिस्ट जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे वो ये भी बोल देते थे कि भाई यहाँ पे 1 लाख कमा रहे हो या 4 लाख कमा रहे हो, इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट रियल सेंस में देखा जाए ये कोई ग्रोथ नहीं है। जितना कमा रहे थे उसके कंपैरिजन में जो खर्चा था, आज जितना कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में खर्चा भी उतना ही है। जितनी कमाई बढ़ी खर्चा भी उतना बढ़ा। तो कैन वी कॉल इट एज इकोनॉमिक ग्रोथ? नो। अब समझिए, ट्रेडिशनल व्यू जो था हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बच्चों वो अल्टीमेट फोकस किस पे करता था? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इफ आई से आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपीज पर एनम और आपका खर्चा वाई है, अब आपकी इनकम हो गई 4 लाख रुपीज पर एनम, आपका खर्चा 2y है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, योर इनकम इंक्रीज्ड टू हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? 4 टाइम्स। कितने गुना आपकी इनकम बढ़ गई? 4 गुना आपकी इनकम बढ़ गई। बट बच्चों, क्या आपका खर्चा 4 गुना बढ़ा? ट्रेडिशनल व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यही था, बट रियलिटी में ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट किसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते थे?
और किसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते थे, आपके सामने पूरी थ्योरी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। अर्निंग 1 लाख, अर्निंग 1 लाख स्पेंडिंग एक्स, अर्निंग 4 लाख स्पेंडिंग 4x, विल यू बी एबल टू सेव समथिंग एक्स्ट्रा? नो सर। नो। कमाई के हिसाब से खर्चा जो था, कमाई 4 गुना बढ़ी, खर्चे भी 4 गुना बढ़ गए। इस चीज को पुराने जमाने के बेवकूफ क्या बोलते थे? इकोनॉमिक ग्रोथ। खोपड़े में बात गई। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलते थे? आप कमा रहे हैं 1 लाख, खर्चा वाई है, कमाई तो 4 गुना हो गई, खर्चा सिर्फ 2 गुना हुआ, तो भाई कमाई अभी बची हुई है। यू कैन स्पेंड मोर मनी, आई रिपीट, यू कैन स्पेंड मोर मनी। तो आप 1 लाख कमा के वाई खर्च कर रहे हैं, 4 लाख कमा के 2 वाई खर्च कर रहे हैं, तो आपका कमाई का लेवल 4 गुना बढ़ गया, बट खर्चे का लेवल सिर्फ 2 गुना बढ़ा। खर्चे का लेवल सिर्फ दो गुना बढ़ा। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो पुराने जमाने की अप्रोच में इसे बोलते थे इकोनॉमिक ग्रोथ और इसे बोलते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट एज पर मॉडर्न व्यू चिल्ड्रन, इट ऑल चेंज्ड। दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड व्हेन वी हैपन टू से कि हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस करना है, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेटर करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर मेडिसिन, बेटर सैनिटेशन, बेटर वाटर सप्लाई बढ़ाना है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना है। जब ये सब होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूरी बातें क्रिस्टल क्लियर समझ में आई सबको या नहीं आई बच्चों? पक्का? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। पुराने जमाने की बातें, इनकम बढ़ी 4 गुना, खर्चा बढ़ा 4 गुना, रियलिटी में कोई फायदा नहीं है। पहले आपके पापा 10,000 रुपये महीना कमाते थे, 20 साल पहले घर का खर्चा 8,000 और बचत 2,000। आई रिपीट, 10,000 पापा कमा रहे थे, घर का खर्चा 8,000, बचत 2,000। आज पापा 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, घर का खर्चा 80,000, बचत 20,000। कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बट पुराने जमाने में इसको क्या बोला जाता था? इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेडिशनल व्यू क्या था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? आपके पापा 1 लाख रुपए कमा रहे थे 10 years ago और फैमिली एक्सपेंस वॉज वाई। पापाज इनकम इंक्रीज टू 4 लाख, 4 times, बट खर्चा इंक्रीज ओनली 2 लाख। तो पापा बिकम्स रिच, कमाई 4 गुना बढ़ी बट खर्चे थोड़ा 4 गुना बढ़े, तो अभी और पैसे हैं खर्च करने के लिए भी और इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशनल व्यू था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये आज का इकोनॉमिक ग्रोथ बन गया। और आज का मॉडर्न व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है? इन फैक्टर्स की सो कॉल्ड हमने एनालिसिस कर ली। समझे बच्चों बात को या नहीं समझे? प्लीज अपडेट दिस क्विकली। सो जस्ट गोइंग बैक टू द कॉन्टेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा सो कॉल्ड ट्रेडिशनल व्यू। कहाँ गया, गायब हो गया क्या? हाँ, सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस ट्रेडिशनल सेंस इंप्लाइज सस्टेन्ड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। कहने का मतलब, जो भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, उसमें आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को भी ज्यादा खरीदें डे टू डे कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर पाए। तो जस्ट गोइंग बैक टू माई एग्जाम्पल, आपकी इनकम 1 लाख थी और खर्चा वाई था, इनकम 4 times हो गई, खर्चा सिर्फ 2 times बढ़ा है, तो यू हैव सम मनी स्टिल अवेलेबल। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू हैव सम मनी स्टिल अवेलेबल। आई रिपीट, यू हैव सम मनी स्टिल अवेलेबल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो दिस इज ट्रेडिशनल व्यू ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं, जहां पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे। कुलजा सिमसिम कहाँ गया? ये देखिए, इट सिंपली इंप्लाइज इंक्रीज इन योर इनकम इररिस्पेक्टिव उसका प्रपोर्शन क्या था। तो आपकी इनकम 1 लाख थी, खर्चे एक्स थे, इनकम 4 times, खर्चा भी 4 times हो गया, दैट वॉज सिंपली कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अगेन ट्रेडिशनली था, इसको सिर्फ बुक में क्लासिफाई नहीं किया। एज ऑफ टूडे चिल्ड्रेन, इकोनॉमिक ग्रोथ आप इसको बोलते हो, गॉट इट? तो जो ट्रेडिशनल व्यू डेवलपमेंट का था, वो आज इकोनॉमिक ग्रोथ है, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आई बात? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। और कोई कंफ्यूजन किसी को? कृषि जी आपको कोई कंफ्यूजन? सर वो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या सर, वो जीएनपी एंड जीडीपी के नीचे एक पार्ट लिखा है कि सर मे आई राइज इन दिस वर्ड नॉट कंसीडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैं चाइनीज बोल रहा हूँ क्या? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पुराना जमाना बोलता था कि अगर आपकी इनकम 1 लाख थी, खर्चा एक्स था, इनकम 4 लाख हो गई, आपका खर्चा भी 4 टाइम्स हो गया, तो रियलिटी में जितनी कमाई बढ़ी उतना खर्चा ही बढ़ गया, बचत कुछ नहीं हुई। ये पुराने जमाने का इकोनॉमिक ग्रोथ था। एज ऑफ टुडे इकोनॉमिक ग्रोथ ये हो गया है। समझ में आई बात? ये पुराने जमाने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एज ऑफ टुडे ये आज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सर इसी को ग्रोथ लिखे हैं सर आज के डेवलपमेंट। मैं वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ सर? ग्रोथ तो वो है ना ट्रेडिशनल व्यू वाला सर, डेवलपमेंट नीचे वाला है। सुनिए फिर से सुनिए, ये इकोनॉमिक ग्रोथ किसी जमाने में बोली जाती थी, ठीक है? जो लाइन लिखी है, मियर इंक्रीज इन इनकम वेयर वी आर अनेबल टू अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट ग्रोथ, बट ये पुराने जमाने में ग्रोथ यही बोली जाती थी। समझना क्या? और ये बोला जाता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, मतलब ट्रेडिशनल व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हैज बिकम इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड मॉडर्न व्यू जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मॉडर्न व्यू शब्द गायब हो चुका है। तो एज ऑफ टुडे आप ट्रेडिशनल मॉडर्न कुछ नहीं बोलते, आप बस ये दो बातें करते हो, वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे आपकी जितनी इनकम बढ़ी खर्चे उसके कंपैरिजन में उतने नहीं बढ़े, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। समझ गए? यही लिखा है ना कि सिर्फ इनकम का बढ़ना ग्रोथ नहीं है, बट वो इनकम आपको और गुड्स एंड सर्विसेज दिलवा पाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हुई तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? यहाँ ये लिखा है कि मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न्ड विद इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विद पर कैपिटा इनकम व्हिच इज मेजर्ड। आगे पढ़ी क्या लिखा? विद पर कैपिटा इनकम, कमाई के बढ़ने की वजह से तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ ही जाएगा। तो अगेन यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रूमेंट तो इनकम का लिया ना इन्होंने, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो हो गया। हाँ वो इंटरकनेक्ट कर दिया इन्होंने, बट अगर हम बात करें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, देयर आफ्टर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई कंफ्यूजन इज क्लियर टू ऑल? तो शॉप आपकी गीत का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, नो सर। तो ट्रेडिशनल व्यू समझ में आ गया? आते हैं न्यू व्यू या मॉडर्न व्यू पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बहुत सिंपल है, द प्रोसेस वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम, आई रिपीट चिल्ड्रन, द प्रोसेस वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद रिडक्शन इन, तीनों बातें आ गई कि नहीं आ गई है? तो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी आपकी मेरी, तभी हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। हम गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा खरीदेंगे तो अनएम्प्लॉयड लोगों को फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसको बनाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम भी बढ़ेगी आप जैसी रिच कम्युनिटी की वजह से। और आपने बढ़िया गुड्स खरीदने स्टार्ट किए तो आपका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जो अनएम्प्लॉयड थे उनका एम्प्लॉयमेंट हो गया, बेचारों के पास 1 रुपए की कमाई नहीं थी, अब हजारों कमा रहे हैं, तो उनका भी लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो सिर्फ इनकम पे फोकस करेंगे तो वो ग्रोथ हो गई, बट इट इज इंटरकनेक्टेड नेचुरली, ट्रू। इनकम बढ़ेगी तभी तो सब कुछ बेटर होगा। नहीं समझ नहीं बात? Yes, समझ ना की बात? तो बट आप जब इन पैरामीटर्स की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज मतलब हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में डिफरेंस, रिच और पुअर का डिफरेंस कम हो गया, गवर्नमेंट रिच कम्युनिटी से ज्यादा टैक्स लेकर गरीबों पे खर्च करती है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कंट्री के सॉल्व हो गए, ये अल्टीमेटली कनेक्टेड टू इनकम ही है। बट वेन वी टॉक अबाउट ओनली इनकम पैरामीटर तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जब हम बाकी पैरामीटर्स की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हो गया। समझ गए बात को? चलिए, सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। लेट मी चेक आउट, कोई टैबलेट प्रेजेंटेशन तो नहीं है? चलिए टैबलेट तो नहीं है, बट वी हैव दीज पॉइंट्स एट अ ग्लांस चिल्ड्रन। हेडिंग लिख ली सबने बच्चों? ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। राइट डाउन फर्स्ट चिल्ड्रन,
कवरेज. द फर्स्ट पॉइंट इज कवरेज. डेवलपमेंट इज अ मच ब्रॉडर टर्म इन कंपैरिजन विद ग्रोथ. जहां जहां आपने डेवलपमेंट पढ़ा बच्चों, वहां वहां इनकम आया था, बट जहां जहां आपने ग्रोथ पढ़ा वहां इनकम के साथ हर जगह पे इनइक्वालिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब की बातें नहीं की गई थी. सेकेंड पॉइंट, रेफरेंस. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मोर आउटपुट. मोर आउटपुट होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा कंट्री में. कंजम्पशन बढ़ने की वजह क्या होगी? डिमांड ज्यादा. आउटपुट की वजह से कंजम्पशन ज्यादा, जिससे डिमांड ज्यादा, विल लीड टू व्हाट चिल्ड्रन? एम्प्लॉयमेंट. एंड मोर एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू मोर इनकम. वेयर एज डेवलपमेंट में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी बात करते हैं, लाइक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया, गरीबों की हालत बेटर हो गई, गरीबी कम हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ गया, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गया. तो सिर्फ कमाई की बात अगर की, मान लीजिए आपकी सैलरी में इंसेंटिव लग गया, तो ये ग्रोथ है. बट अगर आप ऑफिस जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, आपको बढ़िया वहां पे लंच डिनर मिलता है, आपके बच्चों की एजुकेशन आपका ऑफिस ही फाइनेंस कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको फ्री में मिल रही है, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने, बेस्ट ऑफ मेडिसिन यू आर गेटिंग, जिमनेजियम बहुत बढ़िया आपके ऑफिस में, शॉपिंग के लिए, मूवी के लिए ऑफिस फ्री कूपन्स देता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया. दिस इज ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ. जिमनेजियम, जिम का फुल फॉर्म जिमनेजियम है. ऑफिस में जिम, गूगल के ऑफिस में होता है बहुत जगह. चलिए, मीनिंग चिल्ड्रन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन इनकम, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज एंड मेनी अदर पैरामीटर्स. ये जो बच्चों मैंने डायग्राम बनाया है, इसको एग्जाम में बना के जरूर आइएगा, तो एक साथ सब क्लियर हो जाएगा कि अल्टीमेटली किसको क्या बोलते हैं. तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो यहां पे भी मैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न की बात कर सकता हूं. तो आई कैन से द ट्रेडिशनल व्यू इज दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉडर्न व्यू. सबमर्ज हो गया. तो जो ट्रेडिशनल व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था, वो मॉडर्न व्यू इकोनॉमिक ग्रोथ का है. समझ गए? समझ गए? अपडेट कर लीजिए डेफिनेशन ये वाली. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द हेडिंग इज इंडिकेटर्स. चिल्ड्रन, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इट इन्वॉल्व्स सोशल एज वेल. सोशल इंडिकेटर्स में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सबका जिक्र करते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव है. हाउ क्वांटिटेटिव? बिकॉज इट कंसिडर्स ओनली व्हाट चिल्ड्रन? क्वांटिटी ऑफ इनकम. इनकम ओनली, अमाउंट ऑफ इनकम, नॉट क्वांटिटी. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है चिल्ड्रन, इट इज सो कॉल्ड, फोकस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, पॉवर्टी ऑल्सो. तो ये कुछ बातें पैसे के अलावा भी करता है. तो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑल्सो. इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. क्यों सर? क्योंकि कमाई की समस्या उन्हीं को होगी जो डेवलपिंग है, उनके यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है. तो इंडिया में गवर्नमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए? पीपल शुड बी वेरी रिच और पीपल शुड नॉट डाई ड्यू टू स्टार्वेशन. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. यू टोल्ड कि इंडिया इज डेवलप्ड सर, अकॉर्डिंग टू दैट. आई टोल्ड ना, आई एम नॉट टेलिंग. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. समझ में आ गया? तो क्यों यूएस दूसरे प्लैनेट्स पर रिसर्च कर रहा है? बहुत तरक्की होगी उनके यहाँ. उनको लग रहा है उनकी तरक्की को कोई खा ना जाए, एलियन अटैक ना हो जाए. बट हमको अटैक की चिंता होगी? हमारे टंकी में पानी भरा है कि नहीं भरा, हमको इसकी चिंता है. मून पे पानी है कि नहीं, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है. फिर सर, चंद्रयान को क्यों भेजा गया है? पंप एंड शो, ईगो सेटिस्फेक्शन. बाकी चार कंट्रीज ने भेजा, हमको ही भेजना है. हाँ, वोट बैंक तो बात की बात है. दूसरी कंट्रीज को लगे कि भाई हम भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम आगे. समझ में आया?
तो हमको लीस्ट इंटरेस्ट है कि चंद्रमा पे चंद्रयान थ्री क्या करेगा, डांस करे, डीजे नाचे, कुछ करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पंप एंड शो है, भोकालबाजी है, बस सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। तो जैसे इंडियन यंगस्टर्स आर फॉन्ड ऑफ आईफोन, आर गवर्नमेंट इज फॉन्ड ऑफ चंद्रयान थ्री, समझना क्या, ना हमें आईफोन की कोई जरूरत है, ना हमें चंद्रयान थ्री के लॉन्च करने की कोई जरूरत थी, सिर्फ पंप एंड शो हाइप क्रिएट करने के लिए। अदर फोर कंट्रीज हैव सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड देयर मून मिशन, वी विल आल्सो डू दैट। समझ में आया कि नहीं? चार लोग मोमोज खा रहे हैं, आपको मोमोज खाना, बस आपने खा लिया, सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, सिर्फ शो ऑफ और दिखाने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? चार लोग आवारा लोफर की तरह घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमको भी घूमना है, ओके? समझ में आ गई बात? तो इंडिया के सामने प्रॉब्लम ये है कि भाई पहले गरीबी को कम करो। तो हमारी कंट्री रईस क्रिएट नहीं करना चाहती, रिच पीपल क्रिएट नहीं करना चाहती, हैप्पी पीपल क्रिएट करना चाहती है। जब ढेर सारे लोग खुश होंगे तो एटलीस्ट कंट्री छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं पे काम करेंगे और यहीं पे पैसा कमाएंगे। फाइन, नेक्स्ट सेवन पॉइंट छोड़ दीजिए, बेवकूफ बनाने वाली बात है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट का रिपीट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसिएट्स द एक्टिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको रईस तो नहीं बना सकती, वो तो अपनी मेहनत से बनेंगे, बट गवर्नमेंट कैन टेक केयर ऑफ दोज पीपल हु आर पुअर, कि रिच लोगों से टैक्स वसूले और गरीब लोगों के बच्चों को स्कॉलरशिप दे दे पढ़ने के लिए, सस्ता अनाज प्रोवाइड कर दें ताकि वो खाना पीना, दो वक्त की रोटी चला पाए अपनी। तो ये काम गवर्नमेंट कर सकती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस में पायलट भारत सरकार होगी, बट इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कंट्री कभी भी कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकती। समझ में आई बात कि नहीं? तो प्लीज कॉपी दिस पॉइंट्स चिल्ड्रन। चलो, वेबसाइट अगर आपको याद हो, मैंने बहुत बार बताई हुई है, tradingeconomics.com। इस चैप्टर के लिए वो वेबसाइट एकदम एप्ट है। तो वहां पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ मिल जाएगा, जरूर एक्सेस करिएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू द डिग्री ऑफ वेल बींग ऑफ पीपल। ये तो पढ़ ही लेंगे, बहुत आसान है, बट याद रखना बच्चों, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर, इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं। बट जब आप ज्यादा कमाएंगे, जब यहां पे सर्विसेज अच्छी होंगी, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर हमारी कंट्री में कमाई ही हमारी बहुत कम है, तो डेवलपमेंट हमारा ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्राइमरी तो बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, जब तक वो नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। बट अगर हम बात करें लेटस से सोमालिया जैसी कंट्रीज की, पैसा तो बहुत है, किडनैपिंग कर लेते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एंड पायरेट्स ऑफ दोस कंट्रीज, किडनैपिंग करने के बाद शिप्स को पूरा का पूरा सामान जब्त कर लेते हैं, पैसा उनके पास, आर दे हैप्पी? नो। डू दे हैव गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? नो। डू दे हैव गुड यूनिवर्सिटीज? नो। हर दिन लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद, ये सब चलता रहता है। अगर मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ को, हो सकता है वो बांग्लादेश से बेटर होगा, हो सकता है श्रीलंका के बराबर ही होगा, बट श्रीलंका की जनता ज्यादा खुश है इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान की जनता, क्योंकि उनको टेररिज्म तो नहीं फेस करना पड़ा उतना ज्यादा जितना पाकिस्तानीज को फेस करना पड़ा है। तो जरूरी नहीं कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड भी हो। इंडिया में मैं बात करूंगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के चिल्ड्रन, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में पैसा बहुत है यूपी गवर्नमेंट के पास, किसी गवर्नमेंट के पास पैसा कम नहीं है, बट क्या स्कूल्स में वो फैसिलिटीज हैं जो होनी चाहिए? नो। व्हाई नॉट? टीचर को लगा दिया गया इलेक्शन ड्यूटी पे, टीचर को लगा दिया गया पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने में, विल दैट टीचर बी एबल टू टीच? नो। तो पैसा तो है, खर्च भी हो रहा है, बट एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हो ही नहीं पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, वो भी गड़बड़ है, क्यों? घूस खा जाते हैं लोग बेसिकली। तो ये जरूरी नहीं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। गॉट इट क्लियर? दुबई की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज में यूएई पूरा 7 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। दुबई से बच्चे इंडिया पढ़ने आते हैं, एमिटी लखनऊ में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्राइस्ट लखनऊ में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेजुएशन करने के लिए 2 करोड़ रुपए लगता है, और यहाँ पे 2 करोड़ में पूरा बच्चा नर्सरी से लेके पीजी तक पल जाएगा, शादी भी उसकी हो जाएगी उसके बीच में। तो दे आर इकोनॉमिकली ग्रोइंग बट इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है। दुबई की पर कैपिटल इनकम हमसे ज्यादा है, बट वहां से वो बच्चे यहाँ क्यों पढ़ने आ रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ उतनी अच्छी एजुकेशन है ही नहीं। समझे बात को कि नहीं समझे? दुबई तो खाली, खाली क्या, पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है। चलिए, तो बच्चों क्वालिटी ऑफ लाइफ समझ में आ गया सबको? उसका रीजन है, कि सिंगापुर इसलिए इकोनॉमिकली डेवलप्ड और ग्रोथ है, एक तो छोटी सी कंट्री, पहली बात, चीजों को मैनेज करना बहुत आसान है,
वहां पे अगर आप बिजनेस करते हैं ना तो गवर्नमेंट आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लेती है, तो वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास सिंगापुर में बैठ के लेने लग जाऊं, ठीक है, और पैसा मैं स्विस बैंक में मंगवा लूं, तो आई विल बी टैक्स एग्जेम्प्ट। तो अगर सिंगापुर की गवर्नमेंट मेरे को ये फायदा दे रही है, तो मैं अपना और एक्सपेंशन कहां पे करूंगा? सिंगापुर में। तो आई विल इन्वेस्ट माय मनी बैक इनटू सिंगापुर। तो इनडायरेक्टली तो पैसा गवर्नमेंट के पास जा ही रहा है ना, इनडायरेक्टली तो पैसा गवर्नमेंट के पास जा ही रहा है। समझ में आ गया? हम बर्गर खाएंगे तो इंडिया में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? सिंगापुर में ही खा लेंगे, क्योंकि वहां पे अगर 100 रुपए कमाया तो पूरा 100 खर्च करेंगे, तो वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बिकेंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया से ज्यादा है, और इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कितनी जगह तो सीवर लाइन और वाटर लाइन एक साथ है। समझ में आया? तो इसलिए आरओ वाटर प्यूरिफायर यूज करना पड़ता है यहाँ पे। चलिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ समझ में आ गया? दो लाइन की डेफिनेशन है, झटपट लिख लें लोग। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब समझ गए सब लोग? यस सर। पक्का? yes. कोई डाउट इसमें? कंफर्म? हैप्पी इकोनॉमी के लिए चीजें हैप्पी होनी चाहिए। एक और कंटेंट नोट कर लिए चिल्ड्रन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मैं इसमें एक चीज और लिख देता हूं, आप लिख जरूर लीजिए, आगे काम आएगा, है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट चिल्ड्रन। इट्स जिनी कोफिशिएंट। सर ये क्या जिनी नहीं मिल जाती हमको? ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आप अच्छे तरीके से रह पाएंगे देश में या नहीं। तो इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कुछ खास है नहीं, दो लाइन का रीडिंग मटलोग उसको पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर हमारे पास है। ये जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज हो रहा है चिल्ड्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? ये जो ज्यादा ज्यादा सोलर प्लेट्स घर में छतों में लग रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहले एक वर्ड आता है सस्टेनेबल कंजम्पशन, जिसका मतलब होता है कि रिसोर्सेस को आज उतना ही इस्तेमाल करें, एक्सप्लॉइट करें, यूज करें कि अगली जनरेशन के लिए भी वो बच के रहे। और तब उन रिसोर्सेस को जब आप एकदम ऑप्टिममली यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होगा, हमेशा बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, बट लोगों को समझ में नहीं आता। फालतू में निकल जाएंगे एक्टिव वाले के बुड़बुड़ाते हुए घूमने, दिन भर कोई काम धंधा नहीं है, फालतू में हो पाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम रिसोर्सेज को खर्च नहीं कर रहे, उनको वेस्ट कर रहे हैं। जहां वॉक करके जाने की जरूरत है, वहां लोग कार से चले जाते हैं, जहां ट्रेन से जा सकते हैं वहां फ्लाइट से चले जाते हैं। तो वेस्टिंग द रिसोर्सेज बेसिकली। तो पहले अपना कंजम्पशन रिसोर्सेज का ऐसा करिए कि रिसोर्सेज भविष्य में भी इस्तेमाल करने के लिए रहें, तब जाके वो जो रिसोर्सेज आज सेव ऑन होंगी उससे जो डेवलपमेंट होगा, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, दो लाइन की डेफिनेशन है, जरा देख लें क्या लिखी है। कृषि अपनी किताब देंगे, आई डोंट हैव द स्कैन। चलिए, दो लाइन की डेफिनेशन है। इट सेज दैट इट इज डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट परमिट्स फ्यूचर जनरेशंस टू लिव एट लीस्ट एज वेल एज दैट ऑफ करंट जनरेशन। जितने रिसोर्सेज आज आपको अवेलेबल कराए गए हैं, उतने भविष्य की जनरेशन को भी अवेलेबल हो जाए। खोपड़े में बात गई या नहीं गई बच्चों? पक्का? चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश।